अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है पिज़्ज़ा जो ऑलमोस्ट सभी को पसंद होता है। इसकी डो की रेसिपी में मैं कोई मिल्क ऐड नहीं करूँगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही सॉफ्ट और एयरी सा होगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ले लिए हैं 3 कप मैदा यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर। तो ये मैं लार्ज साइज़ से बड़ा पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ जंबो साइज़ का, क्योंकि लार्ज इज़ नॉट इनफ फॉर आर फैमिली। तो ये मैं जंबो ही बनाती हूँ, एक ही दफ़ा में हो जाता है। तो ये 3 कप ले लिए हैं मैंने यहाँ पर। और अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी जो है 1 टीस्पून के करीब। तो यहाँ पर आप लोग मेजरिंग कप से या स्पून्स का इस्तेमाल करिएगा ताकि ये बहुत परफेक्ट बन जाए। वन एंड हाफ टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर इसमें शुगर ऐड करूँगी। फिर उसके बाद आ जाती है यीस्ट की बारी। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब यीस्ट ऐड करी है। यीस्ट मैं इसी में ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी यीस्ट सही है। आप लोग भी चेक करके ही इसमें डालिएगा यीस्ट। मैं यीस्ट को फ्रीज़र में रख देती हूँ एयर टाइट कंटेनर में करके, या फिर उसको अच्छी तरह उसकी जिप लॉक कर देती हूँ जी। अब मैंने इसमें ऑयल ऐड करा है 2 टेबल स्पून के करीब। तो ये आ रहा है मेन इंग्रेडिएंट, ये है विनेगर। यहाँ पर मैंने एप्पल साइडर विनेगर ऐड किया है तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब, लेकिन ये इसको बना देता है बहुत ही एयरी सा। अब हमने इन सब इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दिए है और अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे जो होना चाहिए नीम गरम, ताकि ये इसमें यीस्ट को एक्टिवेट करे शुगर के साथ मिलके। मैंने 1 कप पानी लिया है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करा था इसमें कि मुझे अंदाज़ा रहे कि कितना पानी इसमें यूज़ हुआ है। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, 1 से ज़्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नीडिंग करना। तो मुझे यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं नीट करते हुए, तो सारी स्टिकनेस ख़त्म हो जाए जब तक आपको ये नीट करना है और जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो भी डिसॉल्व हो जाएं। तो अब मैं इसमें कंटेनर में करके रख दूँगी ये तकरीबन 1 घंटा कुक होने के लिए। चले जी, मैंने अब यहाँ पर चिकन ले ली है, ये तकरीबन 250 ग्राम है। तो जितनी भी आपको टॉपिंग में यूज़ करनी हो मैंने ये ले ली है और इसको क्यूब में कट कर दिया। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी मैं, और 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें टिक्का मसाला डाल दूँगी, और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दूँगी, उससे टेस्ट थोड़ा अच्छा इन्हेंस हो जाता है। तो चले जी पकाते हैं इसको। चलें, चिकन रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी वेजीज कट कर लेती हूँ, जिसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ की अनियन ली है और 1 कैप्सिकम लिया है। तो इसको मैं जूलियन कटिंग में कट कर लूँगी। चले जी, चिकन भी रेडी है और मैंने वेजीज भी कट कर लिए हैं। मैं बाकी टॉपिंग भी निकाल लूँ, जिसमें ये सबसे पहले मैंने ये मशरूम्स निकाल दिए हैं।
और अब मैं इसमें थोड़े से ऑलिव निकाल दूँगी और थोड़े से हेलोपिनोस निकाल दूँगी। तो बस यही चीज़ें मैं टॉपिंग में यूज़ कर रही हूँ, और मैंने चीज़ भी श्रेड करके रख ली हैं। सबसे पहले पैन को ग्रीस कर लें ऑयल से, उसके बाद ये इसकी डो की लेयर लगा दें। इसके साथ साथ ही आपने ओवन को प्री हीट पर लगा देना है 180 पे, दोनों रॉड्स ऑन करके तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जब हम ये डालें पिज़्ज़ा उसमें तो ये डिज़ायर टेम्परेचर हो उसमें मौजूद पहले से ही। तो बस अब फॉर्क से इसको प्रिक कर लें और इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा दें और सारी टॉपिंग लगा दें। तकरीबन 13 से 14 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसकी अपर रॉड ऑन कर दी है कि इसमें कलर आ जाए एंड इट्स रेडी।